इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है वैसे तीन बार तीन कदम तक आपको मंजिल पहुंचना है। हल्का सा ये हो गया पहला कदम दोनों का। अब आगे बढ़ते हैं रवि खलखो को एक कदम और बढ़ने का दूसरा कदम होगा। इनको दूसरा कदम बढ़ाइए ये। अब सोनम लकड़ा को भी कहते हैं एक कदम आगे बढ़ाइए, ये दूसरा कदम हो गया। अभी भी सोचने समझ का मौका दें कि नहीं दें? दिया जाएगा है ना, अभी भी सोचने समझने का मौका दिया जाएगा। तो रवि कल को एक कदम आगे बढ़िए और सोनम लकड़ा एक कदम आगे बढ़िए और सोच समझ के ग्रहण कीजिए। मतलब तुरंत ग्रहण हो गया, तालियां तुरंत ग्रहण हो गया। और रवि कल को एक कदम और आप आगे बढ़ाइए। ये एक एक कदम बढ़ने का मौका है, मतलब है कि धीरे धीरे हम जीवन के आगे कदम जीवन में आगे कदम बढ़ा रहे हैं। सोनम लकड़ा एक दूसरा कदम बढ़ाइए और रवि खल को एक कदम बढ़ाइए। तो बहुत जल्दी कदम बढ़ाते हैं लगता है। और ये है तीसरा कदम, बहुत ही सेंसिटिव है। देखिए सोचिए समझिए, अभी मौका दिया जा रहा है, इसके बाद में नो चांस बिल्कुल। और सोनम लकड़ा एक कदम आगे बढ़ाइए और रवि कल को एक कदम आगे बढ़ाइए। ये तीसरा कदम समाप्त और अभी समर्पण ग्रहण का कार्यक्रम होता है। आप लोटा को ग्रहण करवा दीजिए और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में उनका स्वागत हम करते हैं। और अपना स्नेह प्रेम जो भी मुजरा गुड़ खदर के बलदर बलदर होले गुड़ की हिंदी खड़े होते कीजिएगा। नहीं देने जाते, ये आप लोगों का स्नेह है। एक दूसरे को पिलाइए, आप लोग पिए पीजिए और पिलाइए। तू बैठे रह। जब जी दत्त ना मिली जैसे तो अभी इनका पीना पीना चल रहा है। एक गाना गाया जाएगा, एक गाना गाते हैं पूरा गाना यदि किसी को आता है तो हम लोग तो एड़पा न मैं पिल चो चंदो पिल्ली लेखा महाकारो जावले पू पुलेखा। एड़पा न मैं पिल चो चंदो बिड़ी लेखा महा